चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो गाइस आ चुका हूँ मैं दोबारा से एक और ओपी सा वीडियो लेके, क्योंकि भाई 2 से 3 दिनों के बाद अपना होने वाला रैंक सीजन चेंज। तो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए कौन कौन से करेक्टर बेस्ट रहेंगे अपने रैंक पुशिंग के लिए। आप लोग सोलो में भी इजी रैंक पुश कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे आपको लेना है के करेक्टर, फिर आपको लेना है लियोन, और तीसरे पे लेना है अपने को मैक्सिम, और पैट में आपको ले लेना है इधर में फैल्को, जो कि हमको जल्दी उतरने में लैंडिंग में मदद करेगा, ठीक है। और इधर में आपको मशीन लेना है, पॉकेट मशीन ले लेना है, जिधर से आप इन्हें वो खरीद सकते हो ओरिजिनल वगैरह भी। तो ये बढ़िया रहेगा भाई सोलो के लिए। और फटाक से मैंने सारा के सारा अपना करेक्टर स्किल वगैरह भी जो लेना था वो ले लिया है। और एक बार आप मेरा स्कोर भी देख लो भाई, सोलो में इजीली आप लोग यार मास्टर ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। और आपका अपना स्क्वाड नहीं है तो अभी भी आप सोलो खेल के इजीली हर मैच बुआ कर सकते हो। इधर में मेरा 7000 के समथिंग स्कोर है, और फटाक से मैंने कर दिया भाई मैच को सोलो में कर दिया स्टार्ट। और भाई चलते फटाफट से गेम के अंदर लॉबी के अंदर, देखते हैं भाई लॉबी कैसा आया है। तो फटाक से यार भाई मैंने तो इधर में कर दिया है स्टार्ट। स्टार्टिंग में ले रहा है थोड़ा सा टाइम, जो कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से स्टार्ट होने देते हैं इधर से मैं। चलो भाई आ चुके हैं हम लॉबी के अंदर, और भाई लॉबी कैसा है देख लेते हैं। अपना लॉबी भी मेरे को ठीक ठाक ही लग रहा है भाई बंदे। हाँ भाई लॉबी भी ठीक ठाक ही है, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं यार। आपको शुरू में एक ऐसी जगह उतरना है जहाँ 2 से 3 बंदे इजीली उतर रहे हो। आप लोग अगर शुरू में मर भी जाते हो तो रिवाइव का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई अपने को सोलो के अंदर टाइम मिलता है रिवाइव। मरने के बाद भी हम लोग थोड़े टाइम के अंदर अंदर रिवाइव हो जाते हैं ऑटोमेटिक। क्योंकि मैं अभी ऐसी जगह उतरने वाला हूँ जहाँ भी 1 से 2 बंदे उतरेंगे, मैं फटाक से पहले तो देखता हूँ भाई इसके अंदर में किधर किधर बंदे जाएंगे किधर नहीं जा रहे। इधर से आप लोग देखते रहना। तो भाई मैं तो इधर जाता हूँ भीमा शक्ति के साइड में, मेरे साथ आई थिंक 1-2 बंदे तो आने ही चाहिए, जो कि बढ़िया रहेगा। हाँ 2 बंदे मेरे साइड में आ रहे, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है भाई। मैंने ले लिया इधर फैल्को पैट, जो कि मेरे को जल्दी उतरने में मदद करेगा, ठीक है। और आप लोग अगर चैनल पर नए आ रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपका भाई भी नेक्स्ट सीजन पुशिंग करने वाला है। और भाई मेरे साथ एक बंदा उतरा है, क्या बात है, मेरे को गन भी मिल चुका है, उसको भी मिल चुका भाई, मेरे को मार दिया भाई। चलो कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। देखो सोलो के अंदर अपना सबसे बढ़िया यही रहता है कि आप ऑटोमेटिकली रिवाइव हो सकते हो, ठीक है। और आप लोग मर भी जाते हो उतरते ही तभी भी कोई दिक्कत नहीं, बट आपको याद रखना कि एक बार मरने के बाद फिर हमको साइड में ऐसी जगह में जाना है जहाँ की बंदे ना हो, क्योंकि भाई दोबारा से रिवाइव का हमको चांस नहीं मिलेगा। तो मैं इधर भाई कैप टाउन पर उतर जाता हूँ, सॉरी कैप टाउन नहीं, इधर साइड में यार भीमा शक्ति के पास में जो भी है अपना, इधर में लैंड कर जाते हो भाई। इधर में कोई बंदा भी नहीं है, काटू लिस्ट हुआ सॉरी, ठीक है। तो इधर से फटाक से पहले तो भाई लूट वूट कर लेते हैं, और आपको बस पूरा फिर तो होल्ड ही करना है। जब एक बार आप मर जाओगे तो उसके बाद में पूरा ही होल्ड करके खेलना है भाई, ठीक है। ऐसी जगह में मस्त लूट वूट करके फाइट नहीं लेना बिल्कुल भी। फिर आपको जब तक टॉप 10 या टॉप 15 के टॉप 50 के अंदर नहीं आ जाते, 15 के अंदर, उसके बाद ही आपको फ़ाइट लेना है, ठीक है। तो फटाक से भाई मैं तो इधर में मस्त पहले तो लूट वूट करूँगा, क्योंकि भाई मेरे को पूरा चाहिए लूट, क्योंकि हर गेम को अपने करना ईजिली बुआ करना है। तो भाई इसीलिए अपने को बुआ चाहिए, तो जाहिर सी बात है हमको होल्ड करना ही पड़ेगा। चलो भाई उधर से मैं पूरा लूट वूट करके अपना आ चुका हूँ कंप्लीट तरीके से, और भाई 12 बंदे बच्चे हैं कुल, ठीक है। और भाई मस्त तरीके से अभी भी आप देख रहे हो मेरा कैंपिंग चल रहा है, क्योंकि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मेरे को अभी इतना ज़्यादा माइनस नहीं देगा, ठीक है। और आपको पॉकेट मशीन लोगे तो आपको इंजेक्शन वगैरह भी खरीद सकते हो, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल, जो कि मैंने ऑलरेडी खरीद ही लिया है, ठीक है। तो भाई इधर से आगे की साइड में बढ़ जाते हैं, और 12 बंदे बचे खाली। तो फटाफट भाई अभी भी हम सोचते थोड़ा बहुत और बंदे मर जाए, क्योंकि और है बीच में मत जाना, और आप लोग बीच में जाते हो तो बहुत गंदा फंस जाओगे, क्योंकि भाई हमारे साथ फिर थर्ड पार्टी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल साइड साइड में रुकना है, और सब तरफ देख के चलना है कि भाई कोई बंदा इधर से मारे ना, ठीक है। आपको जितना होल्ड हो सके होल्ड का होल्ड ही करके रखो, बट टॉप 10 के अंदर आने के बाद आप फाइट भी ले सकते हो, और मर भी जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ट्राई करना कि बोया लोगे तो भाई ज़्यादा प्लस मिलेगा, और अपना केडी भी अच्छा रहेगा, ठीक है। केडी वगैरह भी अपना अच्छा रहेगा। तो सामने चल रहा है फाइट, और भाई एक बंदा है तो मैं इधर में थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, बट वो आगे साइड में उधर फाइट के साइड में जा रहा है बंदा, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है भाई। मैं इतना आगे जाके नहीं घुसूँगा, क्योंकि मेरे को करने का होल्ड। लो एक बंदा आ रहा है वही डैमेज होके, तो भाई इसको थोड़ा बहुत डैमेज देते हैं, सोनिया लग नाम तो सुनाई होगा, और ये बंदा हो जाता है ख़त्म उसकी तरीके से। चलो एक किल हो चुका है अपना, और भाई इसको थोड़ा बहुत लूट कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी अपने पास सारा लूट तो है ही, बट फिर भी हम इधर लूट वूट कर ही लेंगे, क्योंकि भाई होल्ड ही करना है। और सब तरफ देख रहे हो चारों ओर बंदे ही बंदे हैं, तो इसलिए भाई हमको एक परमानेंट कवर भी चाहिए ज़रूर,
क्योंकि भाई हम बीच में रहेंगे तो बहुत गंदा फंस जाएंगे। तो भाई इसीलिए हमको एक परमानेंट ऐसा कवर भी चाहिए। एक बंदा मेरे राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, भाई सारे तरफ बंदे ही बंदे, और एक बंदा ऊपर से भी आ रहा है भीमा शक्ति की साइड से। अच्छा, उसको दो गोली पड़ा, बट भाई मेरे को कोई भाव मार रहा है भाई, घर के अंदर से भी मेरे को एक बंदा मार रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारे पास परमानेंट कवर है तो भाई टूटेगा नहीं है। चलो भाई फटाक से बल तो रिपेयर किट वगैरह भी मार लिया है, और भाई उधर से बंदा भी आ रहा है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। चलो एक बंदा है उस घर के अंदर, एक है ड्रॉप के पीछे, भाई आठ बंदे अभी भी बचे हुए, अपना एक किल हो चुका है, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। अपने को चाहिए मेन बुइया, अगर अपने एक दो किल भी होते हैं तभी भी अपने को ठीक ठाक प्लस ही मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाला वो सीन नहीं है। ठीक है, प्लस का तो इतना कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन है आपको बुइया लेना है, तो जितना आप बुइया लोगे तो आपको बुइया पॉइंट का प्लस मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो चलो यार भाई इधर में थोड़ा सा होल्ड करते हैं, और चैनल पर नए आ रहे हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब वगैरह भी कर लो भाई। भाई साहब भाई मेरे को पीछे से भी मार रहा, भाई देखो एक बंदा उधर साइड में भी है, लो उसने स्काइलर भी मार दिया। तो भाई पहले तो मेरे को जाना, यही गलती कर दिया मैं, मेरे को उधर खुले में नहीं जाना चाहिए था, बट कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है भाई। इधर ओबे ऊपर लैंड माइन भी लगा रखा था भाई किसी ने, भाई क्या ही तो हरामखोर आदमी है भाई। मेरे पास लेवल 4 का वेस्ट था, मैं बच गया वे, वरना मेरे को ठेस देता भाई। एक बंदा उधर भी है, उस कंटेनर के ऊपर में आई थिंक एक बंदा था, हाँ वही उधर ही कंटेनर के ऊपर में है। मैं देखता हूँ उस पर भाई, एम बेम जाने का ट्राई करता हूँ, बट जा नहीं रहा उस पर, एम बैठा है। ओ भाई साहब लग जा बे, अबे क्या गोभी ठेस दी भाई इसने, तो गोभी खोद दी भाई, 50 का हेल्थ छोड़ा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपना लियोन करेक्टर का ये फ़ायदा यार, अपने को डैमेज पड़ता है तो ऑटोमेटिक हेल्थ देता है, 40 तक हेल्थ दे देता है भाई इजीली, तो इसलिए आप ले लेना उसको, कोई दिक्कत वाला सीन नहीं है। चलो भाई तीन बंदे बच्चे हमारे अलावा, अब तो हमको बुइया करना ही करना है, इसलिए आपको मैं बोलता हूँ होल्ड करोगे तो आप बुइया कर सकते हो ईजिली हर मैच, और आप लोग मास्टर ग्रैंड मास्टर कर सकते हो भाई सोलो में भी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उस चीज़ का। चलो भाई एक बंदा सामने नॉक पड़ा था, मैं सोचता हूँ किल चुरा लूँ, बट भाई वो किल भी नहीं मिलता, किस्मत ही ख़राब है। दो ही बंदे बचे हैं भाई, एक बंदा इस छत के ऊपर है, टेलीपोर्टर लगा रखा है शायद से उसने, हाँ एक बंदा इस छत के ऊपर है और एक उधर है भाई। मैं तो भाई पूरा का पूरा होल्ड करूँगा अभी भी, क्योंकि मेरे को चाहिए भैया, बीच में फंस गया तो तीसरा बंदा मेरे को मार देगा, तो इसीलिए हमको होल्ड करना है। तो वो बंदे दोनों आपस में फाइट करेंगे, जब एक बंदा बचेगा उसके बाद में हम उसको मारने का ट्राई करेंगे, क्योंकि भाई अपना बुइया का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो बंदा रहेगा ऑलरेडी डैमेज, तो हमको उसको मारने में भाई बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। भाई ऊपर ही है आई थिंक एक बंदा इसके, तो शायद से ऊपर है, अच्छा भाई टेलीपोर्ट हो गया उधर पहुंच गया, वो छत पे चला गया है शायद से, ऊपर गया या इसमें पता नहीं, मेरे को लगता है हाँ ऊपर शायद पल्ली तक चला गया है, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोगों का फाइट भी चलने लगा है, नीचे ग्लूबल वगैरह लगा है। चलो भाई उसने एक बंदे ने उसको मार दिया है, अब मैं इधर में थोड़ा सा एक ग्रीन वाला वो फेंक देता हूँ, ग्लू तोड़ने वाला, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं है, बट एक ही बंदा बचा है, अपने को चाहिए बुइया। भाई मेरे को पीछे से बहुत गंदा मार दिया बे, भाई साहब कितना कम हेल्थ छोड़ा बे, क्या चला रहा है भाई, लेवल 4 की बेस्ट में कितना डैमेज दिया। चलो भाई बंदे का काम तमाम और हो चुका है अपना बुइया। तो गाइस यार वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब वगैरह भी कर लेना, क्योंकि भाई 10K करने हैं तो प्लीज़ करवा देना। तो चलो देख लेते हैं अपना कितना प्लस हो चुका है, अपने 2 किल हुए थे और भाई 26 का प्लस भी हो चुका है, अपने 2 स्टार भी लग चुका है। चलो यार सभी को बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और ऐसे ही आप लोग बने रहो यार।